huge establishment, which I was able to see from the air, it really makes an impact. So niche dekhte ho. So then you can see one establishment, then another establishment. When you look at the acreage, it's not there. ये तो problem वहाँ हो जाती है जब बीच में डगमगा जाता है आदमी, और वही मामला खत्म हो जाता है. पर अगर उस dream में हम लोग पूरी तरह से आस्था रखते हैं, तो मैं ये मानती हूँ कि वो पूरा होके ही जाता है. और कोई dream 7 साल में पूरा होना, और कहाँ से कहाँ, अब रेवेन्यू की बात मैं बता रहे वो मेरे को, परंतु इसको कुछ आपने अपग्रेडेशन किया होगा मेरे आने के पहले. उन्होंने कहा जो है वो है, हमने इसके ऊपर एक उंगली नहीं उठाई है. परंतु मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिसके घर में इतनी सफाई होती है, वो आगे चल के वो साफ सुथरे तरीके से सबके मन में बसता है. और यही मुझे आज देख के बहुत खुशी हुई. ज़्यादातर जो बिजनेस वाले होते हैं वो पहले अपना देखते हैं, और देखना भी चाहिए. आफ्टरऑल इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, सरकार के साथ पार्टनर बन के इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो हाँ अपने लिए तो कुछ करते ही हैं, अपने परिवार के लिए कुछ करते ही हैं. पर तो इस बीच में अगर वो जिस क्षेत्र से, जिस क्षेत्र के अंदर ये काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र की याद भी कर सकते हैं, और अपना थोड़ा सा हिस्सा उन लोगों को भी बांट सकते हैं जो इतने फॉर्चुनेट नहीं हैं, तो मैं समझती हूँ कि भगवान तो उनको चप्पल खोल के देता है, क्योंकि इतना बड़ा उनके ऊपर आशीर्वाद होता है. पर आपने ये किया है, उसका फल आपको ये देखने को मिला है. 7 years is a very short time. In 7 years to go from nothing to huge amount, even that recognized, world globally recognized, this is such a बढ़िया खाना यहाँ मिलता है, और वो बढ़िया सा बढ़िया खाना बच्चों तक जाता है. इसकी भी दुआ बहुत आपको लोगों को मिलेगी. इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ. एक नया काम आपने चालू किया है, और मेरे को यहाँ आपने प्रॉमिस किया है कि 656 जहाँ आपने स्कूल हाथ में लिए हैं, उन 656 के अंदर आप बायोडिग्रेडेबल टॉयलेट्स का भी इंतजाम करने जा रहे हैं. और आपने मुझे बताया कि पायलट के हिसाब से आपने 2 स्कूल्स के अंदर इसको लगाया है, एंड दे आर वर्किंग वेल. एंड आई एम जस्ट स्पोकन टू द कलेक्टर टू से इट वुड बी बहुत अच्छी बात होगी अगर खुद जाके उसको देख के हमें बताएंगे कि उसका एक्चुअली में उन स्कूल्स के अंदर कैसे टॉयलेट्स हैं, किस तरीके से हैं, एंड एक्सेप्टेबल है कि नहीं, ये भी मैं सब लोगों को कहना चाहूँगी. मुझे मालूम है कि आपने ITIs तक अपनी बात फैलाने को कहा. आज मुझे बहुत खुशी है कि जो मैं सब लोगों से यही बात करते हुए आ रही हूँ कि हम लोगों को ITIs को लेके उनको मैंने वी नीड टू बी एबल टू पिक दम अप एंड ट्रेन चिल्ड्रन 3 month courses, 6 month courses through them. So there's a talent pool available that can attach to your industry and also to any other industry across the country, where because they're so well trained, they would be at a premium for jobs. And I think that's very important. दुनिया बदल गई है, और मैं इस employment के बारे में कहना चाहती हूँ कि हाँ, हमको सबको नौकरी की ज़रूरत है, परंतु quality नौकरी हमको मिले, quality service हम लोग करें. मैं सब लोगों को कहती हूँ कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब्स बहुत ज़्यादा दिन लास्ट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि दुनिया बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही है. और जो लोग कहते हैं ना कि हमको गवर्नमेंट जॉब दो, गवर्नमेंट जॉब दो, वो काम नहीं करना चाह रहे हैं. क्या है, कोई ऐसी बात है, इसे पढ़ाई लिखाई करके कितना मजा हुई है. अब आप समझो कि आपको वर्ल्ड सिटीजन बनना है कि आपको हमारे इसी दायरे के अंदर बंद रहना है. ये चॉइस अब हमारे बच्चों को हम लोग दे रहे हैं, और हम इसीलिए चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे होनहार हों, और हमारे प्रदेश का नाम दुनिया में पहुंचाने का काम करें. कहाँ से इनके पिताजी, मैं इनको कह रही थी तो बताया कि मेरी छोटी सी बिजली की दुकान थी. ये तो कोई नहीं कर सकता है. अलवर में कितनी सारी बिजली की दुकानें हैं, हर सिटी के अंदर कितनी सारी बिजली की दुकानें हैं, परंतु वहाँ जो चला रहा है उस दुकान को, अगर उसका विजन हो तो 10 करोड़ से 3000 करोड़, 3000 करोड़ से 6000 करोड़, 6000 करोड़ से 10000 करोड़, खाली 7 साल के अंतराल में. ये तो बैंक में भी नहीं पैसा मिलेगा इतना. ये फैंटास्टिक. तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि क्यों अपने अंदर जो है उसको रिलीज करो. इस दुनिया में तो मैंने, आप अगर डिसाइड करते हो कि मेरे को तारे छूने हैं, तो तारे भी आपके हाथ में आ सकते हैं.
बस इतना ही है कि अपने को अपने आप में विश्वास रखने की जरूरत है. अपन अपने आप में विश्वास रखेंगे तो कोई हमको रोक नहीं सकता. और मुझे तो राजस्थान के बच्चों के ऊपर बहुत विश्वास है. मैं जानती हूँ कि राजस्थान के बच्चे अगर अपने मन में तय कर लेते हैं तो कोई चीज़ नहीं है जो उनके रास्ते में आके रोड़ा बन सकता है. और इसीलिए जब अपन बात करते हैं आईटीआईस का, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप देख लीजिए कि सिंगापुर की आईटीई विद देम जस्ट नाउ दे आर डूइंग अ स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटैलिटी आईटीआई विद अस एंड दे आर गोइंग टू बी चर्निंग आउट सम 450 चिल्ड्रन फ्रॉम दिस एवरी ईयर बट ऑफ सच हाई क्वालिटी दैट पीपल हु आर लुकिंग फॉर चिल्ड्रन इन द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर विल पे प्रीमियम फॉर दीज चिल्ड्रन हु कम आउट ऑफ उदयपुर आईटीआई. Similarly, there's a whole lot of people. There is now Toyota, there's Caterpillar, there's Samsung, there's Can India, Bombay Stock Exchange, just to name a few, ISRO. All of them have picked up ITIs and competing with each other to create talent pools in all those ITIs that they have. I'm really, really excited about the new things that are happening in the state, which are basically out of the box. जो रोज के डर रोजमर्रा के डर्रे के अंदर से नहीं निकाल रहे हैं परंतु आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके एक नए सिरे से इसको तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं. सो मेरा ये मानना है कि इसी वजह से हम लोगों ने ये लेबर वगैरह रिफॉर्म्स सेक्टर लेबर सेक्टर के अंदर हम लोगों ने शुरू किया. अब ये सो लोग सोचते हैं कि लेबर को बांधने की बात है. मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसमें अगर आप दूसरा देखो ना, आधा ग्लास है वो या तो आधा भरा है या आधा खाली है. और मैं कह रही हूं ये आधा भरा इसलिए है क्योंकि ये रिफॉर्म्स की वजह से लेबर सेक्टर के अंदर जो छूट आएगी उससे इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो रहे हैं. हम नहीं क्यों देख रहे हैं इसको, क्यों नहीं देख रहे कि कितनी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज 100 के नीचे पहले हुआ करती थी, अब 300 में चले जाओ तो 300 लोगों और उससे ऊपर चले जाओ तो कितने सारे लोगों को विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द लेबर इन एनी वे. ये हम लोगों ने नया किया है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुमराह कोई किसी को भी नहीं होना चाहिए. पहले वो पढ़ो कि लेबर को इसने क्या और ऑफर किया है और एम्प्लॉयमेंट रोजगार के तरीके से क्या ऑफर किया है. और आप जब देखोगे कि दुनिया के अंदर हम अपने आप को मैच कर सकते हैं और हमारे बच्चे वहां तक पहुंच सकते हैं तो मैं समझती हूँ कि आपको समझ में आएगी कितना बड़ा काम हुआ है. इसी तरीके से मैंने कहा आज आपको शॉर्टेज हो रही है, कहाँ ताले लग रहे हैं कि स्कूल में टीचर नहीं है इसके ताले लग रहे हैं, पीएचसीज और सीएचसीज के अंदर ताले लग रहे हैं कि भाई हम लोगों को टीचर नहीं है डॉक्टर नहीं है. मैं सबको कहना चाहती हूँ कि जब यात्रा की थी तो हमने उस समय सबको कहा था कि करीबन 5 से 9 हजार डॉक्टर की कमी है और वो एक रात में नहीं हो सकती क्योंकि लगा हुआ पंजाब उसको भी है, लगा हुआ गुजरात उसको भी है, लगा हुआ महाराष्ट्र मध्य प्रदेश उसको भी है, इन सबको है. तो एक नए तरीके से हमको हमारे पीएचसीज और सीएचसीज को हैंडल करना पड़ेगा, हमारे वो ज्यादा से ज्यादा आगे चल के होनार बने और उनकी वजह से हमारा स्टेट इन सब स्टेट्स के ऊपर एक अग्रणी स्टेट बनने का प्रयास करे. तो इसीलिए हम लोगों ने उसमें पीपीपी का मॉडल जोड़ा है. अब मैं सुन रही हूँ आज उस पीपीपी के मॉडल का मतलब ये हुआ कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं जो उसमें आएंगी तो वो अपनी एक्सपर्टीज गांव तक पहुंचाएंगे. कितनी बड़ी बात है. और आज मैं कहीं अखबार में पढ़ रही थी कि पीपीपी मोड के ऊपर हम क्योंकि पीएचसी कर रहे हैं उसके ऊपर ताला डालने के लिए लोग निकल पड़े हैं. उनको समझ ही नहीं आ रही है कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम हो रहा है क्योंकि आपसे इतना अच्छा सर्विस और वो तो हम खाली 10 में कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि अगर ये सही हो जाते हैं तो इसका फायदा कितने लोगों को मिलेगा. इसको सरकार की पैनी नजर के नीचे से हम निकालना चाहते हैं और जनता को दिखाना चाहते हैं कि ये भी काम आ सकते हैं. अब जो व्यक्ति ब्लड बैंक में इतना ब्लड डोनेशन कर रहा है, जो व्यक्ति 656 स्कूल के अंदर भोजन दे रहा है, जो 55,000 बच्चों को भोजन करा रहा है, वो क्या पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट के पीएचसी अगर वो 10 भी ले ले तो वह डॉक्टर्स का इंतजाम टेस्टिंग का इंतजाम नहीं कर सकेगा जिसका फायदा हमारे गरीबों को मिलेगा जिनको आप दौड़ के अलवर में नहीं आना पड़ेगा. अगर उसको हमने गांव में ही संभाल लिया, छोटी छोटी चीजें हमने गांव में कर दी तो यहां तक उसको आने की जरूरत ही नहीं है. और इसीलिए मेरा मानना है कि पीएपी के पीपीपी के लिए तो लोगों को दौड़ के कहना चाहिए कि भैया मेरे गांव में लगा लो, आप यहीं टेस्ट कर लो.
या पीपीपी में स्कूल हो रहा है तो मेरे यहाँ करवा लो, क्योंकि बेस्ट के बेस्ट टीचर्स को हम लोग या उनको और पढ़ाएंगे, उनको और चुस्त दुरुस्त करके उनको और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे. आई एम वेरी प्राउड टू टेल यू कि हमारा जो पिछले सालों के अंदर ड्रॉपआउट रेट बढ़ गया था, आज 16% इंप्रूवमेंट हमारा ड्रॉपआउट रेट बने, 16% बढ़ा है. ये अपने आप में अपनी कहानी बोल रहे हैं. इसका मतलब कुछ तो इंप्रूवमेंट हुआ है और उस इंप्रूवमेंट को अपने को देखना है. और मैं आज आपको एक सुझाव और देना चाहती हूँ. मुझे मालूम है कि आप इतना सारा काम कर रहे हो, पर मुझे ये भी मालूम है कि आपकी बहुत बढ़िया सी दो हॉस्पिटल्स चल रहे हैं. तो जब अपन पीपीपी की बात कर ही रहे हैं तो इसको जब आप इतना बड़ा काम यहाँ फैलाए हो तो इसमें पीएचसीज के या सीएचसीज के एक दो पीपीपीज को भी ट्राई करके अपन देख लें तो मैं समझती हूँ कि उसका फ़ायदा भी अपन गरीब और मरीजों तक पहुँचाने का काम कर लेंगे तो उसका भी फ़ायदा हम लोगों को और इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलेगा. ये एक बहुत होनहार और लकी डिस्ट्रिक्ट है. मैं ये कहना इसलिए चाह रही हूँ कि दिल्ली से लगा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, जो इंडस्ट्री आती है वो सब अलवर के अंदर ही आना चाहती है. और जिस तरीके से यहाँ डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि यहाँ से DMIC भी निकल रही है, यहाँ से आपका फ्रेट कॉरिडोर भी निकल रहा है, तो आज नहीं तो कल यहाँ विकास तो होना ही होना है. ये DMIC और अपने फ्रेट कॉरिडोर के अंतर्गत जो एरिया है उसके अंदर इम्पोर्टेंस तो होनी ही होनी है, तो इलाका तो और बढ़ेगा. स्मार्ट सिटीज के अंदर हम लोगों को कुछ कुछ रेगुलेशंस करने होंगे और वो जब रेगुलेशंस हम करेंगे और ये 20-22 स्मार्ट सिटीज राजस्थान के अंदर बन जाएंगे तो हम एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड का स्टेट बनने की तैयारी में आ जाएंगे. ये जरूरी है. हम नहीं है गांव, हम भी इस दुनिया के होनहार सिटीजंस हैं और हम चाहते हैं कि राजस्थान को भी ग्लोबल सिटीजंस माना जाए. जिस तरीके से हमारे लोग लंदन में गए तो आप जो देखते हो लक्ष्मी मित्तल का नाम सुनते हो, तो लक्ष्मी मित्तल भी तो यहीं से निकल के गए हैं. इतने सारे आपके मारवाड़ी यहाँ से निकल के गए हैं, लंदन में हैं, मुंबई में हैं, कलकत्ता में हैं, सब दूर हैं, वो तो यहाँ से निकल के जब गए थे उनके परिवार अभी भी हैं. शेखावाटी में चले जाओ तो शेखावाटी में उनके पुरानी पुरानी हवेलियाँ, वो कहानी उनकी बताती है कि यहाँ से ये परिवार निकल के गए और वो दुनिया में जाके उसने क्या नाम कमाया. तो क्या खाली शेखावाटी की हवेली से ही निकल के जाएंगे, ये पूरे राजस्थान को हम चांस देके और पूरे राजस्थान की जनता को, राजस्थान की ताकत को दुनिया के अंदर अगर हम झोंक देंगे तो राजस्थान कहाँ जाएगा, हमारे बच्चे कहाँ पहुँचेंगे, हमारे वो बच्चे जो सपने देखे हैं, सोचे हैं कि हम वहाँ जाके ऐसा करेंगे, तो उनका जब ये सपना पूरा होगा तो क्या राजस्थान आगे नहीं बढ़ेंगे. इसलिए आज मुझे बहुत खुशी कि आप लोगों के बीच में मेरे को आने का ये मौका मिला है. और मैं आपको इस मौके पर ये कहना चाहती हूँ कि रिसर्जेंट राजस्थान नवंबर 19 को शुरू होगा. आप भी ज़रूर हमारे इस रिसर्जेंट राजस्थान का एक हिस्सा बने और आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू ओवर देयर. बट अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दैट, रिसर्जेंट राजस्थान हमारा पहला बड़ा कार्यक्रम हम लोगों ने इसलिए किया है कि हम चाहते हैं कि इंडस्ट्रीज अभी रूटेड हो जाए. आखिरी साल में फिर उनको समय नहीं मिलता है. अभी रूटेड हो जाए तो 3 साल में वो देखने को मिलेगा कि वो इंडस्ट्री कैसे फलती है, फूलती है और हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को कैसा नया मौका देती है. ये सोच करके हमने 2015 के अंदर ही ये रिसर्जेंट राजस्थान रखने की कोशिश की है. आने वाले समय के अंदर ये तो आगे का समय देख बताएगा कि इसका कितना फायदा अपने को मिल सकता है. मैंने तो ईश्वर के सामने इतना ही कहा है कि मुझे बहुत बड़ा नहीं परंतु इतना ही देना, 1 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ अगर हम लोगों को मिल जाता है और वो फैक्ट्रीज लग जाती हैं तो उसका जो फायदा मिलेगा हमारे पूरे प्रदेश को मिलेगा. और उसका फायदा जब हमारे प्रदेश को मिलेगा तो हमारे बच्चे होनहार होंगे और हमारे बच्चों को ताकत देने का काम, हमारे स्टेट को ताकत देने के काम में आप भी जुड़े हो, उसके लिए मैं आपको और आपके परिवार को और आपके सब साथियों को और हैवल के सब लोग जो काम कर रहे हैं उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ. और ये विश्वास करती हूँ कि आप एक एग्जाम्पल बनेंगे, ऐसे ही सब लोग करना शुरू कर देंगे तो वो क्षेत्र भी धन्य रहेगा
वहाँ के बच्चे भी धन्य हो जाएंगे. एंड आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विथ यू एज पार्टनर्स इन कमिंग टाइम. थैंक यू वेरी मच. एंड आई ऑल्सो थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माई आइडिया ऑफ द हॉस्पिटल इन द पीएचसी. आई एम श्योर इट विल ऑल्सो गो टूवर्ड्स मेकिंग मोर वेज फॉर हैविंग इन द एरिया ऑफ हेल्थ. थैंक यू वेरी मच. Reschedule